स्वागत है आप सभी का एकेडमिक क्वींस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस स्टोन एज के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। इसको हम लोग तीन भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक एज, जिसको कि पूरा पाषाण काल कहते हैं। एक होता है मेसोलिथिक एज, जिसको कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। और तीसरा होता है नियोलिथिक एज, जिसको कि नव पाषाण काल कहते हैं। इसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री में, ताकि जो स्टडी करने में बेनिफिट हो हमको। तो स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसको हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इससे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पैलियोलिथिक एज का पीरियड कल बता चुके थे कि पैलियोलिथिक एज 5 लाख BC से इसकी शुरुआत होती है। 5 लाख BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से ये पीरियड 5 लाख BC में इसकी शुरुआत होती है। और लगभग 10,000 BC तक इसका काल चलता है, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। उससे पहले कुछ स्टार्टिंग का इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टोन एज है, स्टोन एज में जो आदिम मानव यानी कि जो एंशिएंट मैन होमिनिड्स जिनको कहा जाता था, उनके बारे में सबसे पहली जो जानकारी जो हमको प्राप्त होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो इनका सोर्स है, वो अफ्रीका से मिलती है। अफ्रीका जो कि अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो पूरे पृथ्वी पर है वो अफ्रीका है। तो उसी अफ्रीका महाद्वीप में जो हुमिनिड्स यानी कि आदिम मानव का पहला जो सोर्स है वो प्राप्त होता है। और एशिया में अगर हम लोग बात करें तो जो एक स्ट्रेट वॉकिंग मानव, उस वक्त जो मानव जो थे ना, जो अफ्रीका में पाए गए थे, वो सीधे नहीं चलते थे, वो झुक के चलते थे। मतलब इवोल्यूशन का एक पीरियड, जो चौपाया से दोपाया बनने का जो एक पीरियड था, उसके बारे में जानकारी यहाँ मिल रही है। तो जावा में, जावा कहाँ है, तो एशिया में इंडोनेशिया जो देश है वहाँ पे जावा है। और उसी जावा में जो स्ट्रेट वॉकिंग मैन यानी कि सीधे चलते हुए मानव की जानकारी प्राप्त होती है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जावा मैन कहा जाता है, जावा मानव कहा जाता है, जिनकी जानकारी जावा से मिलती है। जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में, जो भारत के दक्षिण और पूर्व में अगर हम लोग देखेंगे, जो अंडमान निकोबार द्वीप वाले क्षेत्र में, उसी के पास है ये, स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन जावा। अब आते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण। तो इस पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक पूर्व पूरा पाषाण काल, जिसको कि अर्ली पैलियोलिथिक एज कहते हैं, या फिर अपर पैलियोलिथिक, जिसको कि उच्च पूरा पाषाण, इसी को दोनों नामों से जाना जाता है। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है लेटर पैलियोलिथिक, लेटर पैलियोलिथिक यानी कि जो बाद का, जो उत्तरकालीन जो पाषाण, पूरा पाषाण काल है उसके बारे में, या फिर इसी को क्या कहा जाता है कि अपर भी कह, ये अपर भी कह दिया जाता है इसको, इसी दोनों के अकॉर्डिंग। तो तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है, एक अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लेटर पैलियोलिथिक। अब इन तीनों के बारे में डिवीजन करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि पैलियोलिथिक एज जो था, उस वक्त जो पूरा पाषाण काल में जो मानव हुआ करते थे वो हंटर हुआ करते थे। हंटर यानी कि शिकारी, जो अपना दैनिक जो भी क्रिया वो करते थे उसमें वो अपने जो पेट को पालने के लिए वो जानवरों का शिकार किया करते थे। इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है, इन लोगों को कहा जाता है हंटर्स, ये हंटर्स कहे जाते हैं। और साथ ही साथ ये खाद्य संग्रहक यानी कि जो भोजन अपना करने के लिए भोजन को इकट्ठा करते थे, जो कंदमूल, फ्रूट्स, ट्यूबर्स वगैरह जो भी मिलते थे इनको, उसको ये इकट्ठा करते थे। इसीलिए इस काल के इंसानों को हंटर्स एंड फूड गैदरर्स कहा जाता था। हंटर्स एंड फूड गैदरर्स कहा जाता है। एक और चीज इस वक्त क्या होती है कि इस वक्त के लोगों के पास कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, वो एग्रीकल्चर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं था। इसके अलावा जो परमानेंट सेटलमेंट, जो इकट्ठे रहने का जो एक स्थिति आती है, उसके बारे में भी इनके पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ये गुफा में रहते थे, केव्स में रहते थे, जो रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे उन स्थानों पर रहते थे। इनके पास पॉटरी यानी कि जो मिट्टी का जो बर्तन बनाने का जो क्रिया होता है, उसके बारे में भी इनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये पत्थर से औजार बनाते थे, और वो जो औजार हुआ करते थे पॉलिश नहीं हुआ करते थे, अनपॉलिश्ड और जो इररेगुलर शेप, मतलब कोई एक फिक्स्ड शेप जो प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग देख पा रहे हैं, वैसे स्थिति के इन लोगों के पास प्राप्त नहीं होते थे। जिस पत्थर का उपयोग करके ये औजार बनाते थे, उस पत्थर में सबसे ज्यादा जो पाई गई है वह क्वार्टजाइट, और इसीलिए इस काल के जो इंसान हुआ करते थे उनको क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला जो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, वो पैलियोलिथिक मेंस को कहा जाता था। दूसरा
क्वार्ट्जाइट पत्थर के उपयोग के कारण इनको क्वार्ट्जाइट मैन कहा जाता था। अब इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो पैलियोलिथिक एज है, इस काल का जो समय था, वो जो ये सभ्यता थी वो किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो तीनों को हम लोग डिवाइड करके यहाँ पर देखेंगे इसको। लेकिन शुरुआत में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है ना कि जो गंगा घाटी है, जिस क्षेत्र में अभी जैसे बिहार यूपी या इसके आसपास, जो गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पुरापाषाण काल के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। पुरापाषाण काल के सोर्स के बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा क्या है कि अर्ली पैलियोलिथिक एज में हम लोग आ जाते हैं, जो पूर्व पुरापाषाण काल है। इस पूर्व पुरापाषाण काल में लोग क्या करते थे, हैंड एक्स का इस्तेमाल करते थे। हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी जो हुआ करती है, उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो कुल्हाड़ी अभी के समय हम लोग देख रहे हैं वैसी कुल्हाड़ी नहीं थी, ये बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड की थी, डेवलप नहीं थी वैसी। उसके अलावा क्लेवर्स का इस्तेमाल करते थे, चॉपर्स का इस्तेमाल करते थे। ये क्लेवर्स और चॉपर्स क्या होते थे, जो काटने वाला एक धारदार हथियार हुआ करता था, जो स्क्वायर शेप का होता था, वैसे धारदार हथियार को क्लेवर्स या फिर चॉपर्स कहा जाता था। इन सब का काम क्या होता था, चॉपिंग का काम होता था, चॉप करना यानी कि काटना। दूसरा डिगिंग का काम, डिगिंग का काम मतलब खुदाई का काम होता था। तो ये सब काम करने के लिए हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर्स, इन सारी इस्तेमाली औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये अंडर डेवलप्ड औजार हुआ करते थे, अनपॉलिश्ड हुआ करते थे, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। दूसरा, ये जो अर्ली पैलियोलिथिक एज में जो लोग हुआ करते थे, या इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सोन और सोहन वैली। सोन और सोहन वैली क्या है, ये पाकिस्तान में वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान समय में अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये पाकिस्तान में सोन घाटी और सोहन घाटी के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसके सोर्स वहां पर पाए गए हैं। भारत के क्षेत्रों में अगर इसका स्रोत देखा जाए तो कश्मीर, जो भारत के उत्तर में स्थित कश्मीर है, उसके अलावा थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है, तो थार डेजर्ट भारत के भी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके अलावा इसका विस्तार थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी है। तो थार डेजर्ट जो राजस्थान के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। थार डेजर्ट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डेजर्ट यही है, इससे अधिक जनसंख्या किसी भी डेजर्ट में निवास नहीं करती है। उसके अलावा क्या है, बेलन वैली। बेलन वैली यानी कि बेलन घाटी का क्षेत्र। बेलन घाटी का क्षेत्र कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में। तो इस उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी वाले क्षेत्र में भी जो पूर्व पुरापाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे, उनके साक्ष्य पाए गए हैं। उसके अलावा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ये रॉक सेल्टर्स। रॉक सेल्टर्स क्या है, जो रॉक यानी कि जो पत्थर की जो गुफा हुआ करते थे, केव्स हुआ करते थे, उसके अंदर भीमबेटका नाम के स्थान पर इनके साक्ष्य प्राप्त हुए, जो नर्मदा घाटी वाले क्षेत्रों में, नर्मदा जो रिवर है उसके क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह से भी मानव के बारे में पता लगता है कि उस वक्त के जो मानव थे, जो उसके अंदर जो दीवार हुआ करती थी केव के अंदर, गुफा के अंदर, उस पे लाल और हरे रंगों का इस्तेमाल करके वो चित्र बनाया करते थे। तो रॉक पेंटिंग्स या केव पेंटिंग्स के साक्ष्य भी हमको भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। जो ये काल था अर्ली पैलियोलिथिक एज का, ये ज्यादातर किस दौरान रहा है, तो आइस एज। आइस एज एकदम मतलब शुरुआत का समय, जब मानव की उत्पत्ति धीरे धीरे हो ही रही थी। तो ये लार्ज पार्ट जो है पैलियोलिथिक एज के, अर्ली पैलियोलिथिक एज के, ये आइस एज में ही इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसका काल जैसे शुरुआत में पैलियोलिथिक एज का काल 5 लाख से शुरू होता है, तो 5 लाख से शुरू होकर के कहां तक के काल को हम लोग अर्ली पैलियोलिथिक एज कहेंगे, तो 50,000 BC तक। 50,000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ये हमारा हो गया अर्ली पैलियोलिथिक। अब दूसरा आता है मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें भी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था। स्टोन टूल्स जो होते थे ना, स्पेशली यहाँ पर फ्लेक्स के बनाए जाते थे। फ्लेक्स वाली, फ्लेक्स कहने का मतलब एक परतदार स्टोन। परतदार आ गया तो क्या होगा, मजबूती थोड़ी बढ़ गई, और जो एक तरीके से प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसकी तुलना में इसमें डेवलपमेंट भी हुआ, तो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। इसमें क्या क्या औजार का इस्तेमाल होता था, तो स्क्रैपर्स का, बोर्डर्स का, ब्लेड लाइक टूल्स जो हुआ करते थे इनका। स्क्रैपर्स यानी कि जो किसी को स्क्रैप करते, यानी कि जो ऊपर का जो लेयर होता है, अपर लेयर जो होता है ना, उसको निकालने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्क्रैपर्स कहते हैं। बोर्डर्स मतलब जो बोर्ड करने के लिए, यानी कि जो कोई भी चीज गाड़ने के लिए या डीप डग करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लेड लाइक टूल्स, तो कोई भी चॉप करने के लिए, काटने के लिए जो स्क्वायर ब्लेड्स हुआ करते थे, जस्ट लाइक क्लेवर्स एंड चॉपर्स, उसी की तुलना में ये आते थे यहाँ पे। इसका जो साक्ष्य पाया गया, इस काल के लोगों का साक्ष्य, वो किन क्षेत्रों में पाया गया है, तो इनका क्षेत्र है वो है सोन, फिर वही सोन जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था सोन वैली वाला, उसके बाद नर्मदा। नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश के उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्रों में इसके साक्ष्य पाए गए हैं।
मध्य पुरापाषाण काल के, फिर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ है? तो तुंगभद्रा वैली आंध्र प्रदेश में, जो कृष्णा नदी है उसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, और उसी के स्थान पर यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि मध्य पुरापाषाण काल के मानवों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तुंगभद्रा क्या? तुंगभद्रा वही तुंगभद्रा है जिसके किनारे जो मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे जो विजयनगर एम्पायर है, उस विजयनगर एम्पायर को वहीं पर बसाया गया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब आते हैं पोटवार प्लेटू। पोटवार कहाँ है? पोटवार पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में बेसिकली ये पाया जाता है। सिंधु नदी जो इंडस रिवर है और उसकी एक सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी झेलम नदी, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को पोटवार प्लेटू कहते हैं, और ये पोटवार प्लेटू वाले रीजन में भी मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। उसके अलावा संघाव केव है। संघाव केव, केव मतलब गुफा। तो संघाव गुफा कहाँ पाई गई है? तो पाकिस्तान में पेशावर नामक स्थान पे, पाकिस्तान के पेशावर वाले जगहों पे संघाव केव की जानकारी मिली है। वही पेशावर जिसका कि पहले नाम पुरुषपुर हुआ करता था। उसके बाद नेवशान नामक स्थान, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेवशान स्थान जो है ना वो किस काल में पाया गया था, तो ये मध्य पुरापाषाण काल में, या फिर सीधे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो पुरापाषाण काल में पाया गया था। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में मध्य पुरापाषाण काल में ये पाए गए थे, नेवशान जो कि महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। अब इस काल में क्या होता है, इस काल में कि इसकी जो खोज हुई थी, जो ये बहुत पहले से इसके बारे में पता नहीं, भले ही ये चीजें बहुत पहले की है लेकिन इसका जो खोज है, इसकी जो स्थापना है, ये बहुत बाद में हुई। इससे रिलेटेड एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, एचडी संकालिया। ये एचडी संकालिया 1960 में इसके बारे में पता लगाए थे, इसीलिए इनका नाम मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। इस मध्य पुरापाषाण काल का जो पीरियड हो जाता है वो 50,000 से 40,000 बीसी तक, 50,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी तक का जो काल होता है उसको मध्य पुरापाषाण काल कहा जाता है। अगला है लेटर पैलियोलिथिक, यानी कि जो बाद का जो पैलियोलिथिक, या फिर नियो पैलियोलिथिक भी कह सकते हैं इसको, जो नव काल है यानी कि जो सबसे बाद का काल है। यहाँ पर होते होते क्या होगा कि थोड़ा सा इवोल्यूशन, जैसे जैसे इंसान आगे की ओर बढ़ेगा तो इवोल्यूशन जो है ना उसका वो होना निश्चित है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ, अपना पैरेलल साइड टूल्स यूज होने लगे। पैरेलल साइड टूल्स मतलब जो पहले एक ही तरफ जो उसका इस्तेमाल हुआ करता था तो धारदार होते थे, अब दोनों तरफ से, तो उससे क्या होता था कि पैरेलल दोनों साइड में जो एज हुआ करते थे जिसका इस्तेमाल यहाँ पर लोग किया करते थे। बोन टूल्स का भी इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया। बोन टूल्स यानी कि जो जानवरों की हड्डियां होती थी या इंसानों की जो हड्डियां होती थी उसके भी नुकीले और धारदार हथियार बना करके लोग उसका इस्तेमाल करते थे, जो हड्डियों के जो टूल्स बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। इनके साक्ष्य किन किन स्थानों पर पाए गए हैं? तो इनका जो सोर्स है वो है आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत में एक राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसका विभाजन करके 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना को बनाया गया। उसके बाद कर्नाटक, ये भी दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है। महाराष्ट्र जो पश्चिमी क्षेत्र में हमारा पाया जाता है, और उसके अलावा क्या है, सेंट्रल यूपी एमपी, जो मध्य प्रदेश का जो बीच वाला क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है, सेंट्रल एमपी वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहने का मतलब है झारखंड, जो बिहार के दक्षिण में, बिहार के साउथ में जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, वहां पर भी जो उत्तर पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए लेटर पैलियोलिथिक इसके। जो बोन टूल्स है, स्पेशली जो बोन के जो टूल्स है, हड्डियों के जो टूल्स है, उनकी जानकारी कुरनूल से पाई गई है। कुरनूल कहाँ है? तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में, कुरनूल से पाई गई है वहां के गुफा वाले क्षेत्रों में। इसी कुरनूल का हम लोग आगे देखेंगे मध्य पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल में, कि आग का जो पहली बार जो पता लगा था, आज आग की जो खोज हुई थी वो भी इसी कुरनूल नामक स्थान पे ही हुई थी, इसीलिए कुरनूल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, ये वही काल है लेटर पैलियोलिथिक जिस काल में जो होमोसैपियंस का आगमन हो चुका था। होमोसैपियंस मतलब मॉडर्न डे इंसान, जो हम लोग अभी है वो क्या है, होमोसैपियंस है। तो होमोसैपियंस की जो उत्पत्ति हुई, अगर सरफेस लेवल पूछा जाए तो ये तो पैलियोलिथिक के एज में ही हो गया था, लेकिन पैलियोलिथिक के भी अंतिम में यानी कि लेटर पैलियोलिथिक एज में होमोसैपियंस की उत्पत्ति हुई थी। होमोसैपियंस बहुत बाद में आए थे, जो इवॉल्व होकर, जो शुरुआत में होमोनिड्स थे, जो हम लोग अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में कह रहे हैं कि होमोनिड्स थे, जो इनका खोज अफ्रीका में, जो अफ्रीका में पाए गए थे, और वर्तमान में जो देखा जा रहा है जो होमोसैपियंस है, इनकी उत्पत्ति हुई थी लेटर पैलियोलिथिक एज में। इनका जो काल देखा जाता है 40,000 से 10,000, जो 40,000 से लेकर के 10,000 तक का जो पीरियड होता है उसको लेटर पैलियोलिथिक एज यानी कि उत्तर पुरापाषाण काल के समय में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन जो काल है, इसी तीन काल में जो पूरा अपना पैलियोलिथिक एज बचा हुआ बता हुआ है।
इसके बाद का जो काल होगा वो मध्य पूरा मध्य पाषाण काल होगा और फिर उसके बाद नवपाषाण काल। और इस तरीके से हमारा पूरा स्टोन एज जो है ना जो पाषाण काल है वो खत्म हो जाएगा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये है ना कि रॉबर्ट्स फूट जो एक रॉबर्ट फूट है इनके बारे में पूछा जाता है। इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट जो पैलियोलिथिक टूल्स था इसका खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट फूट के द्वारा, जो पहला पाषाणिक औजार था, पाषाणिक हथियार था। तो ये कई बार पूछा गया है रिपीटेडली क्वेश्चन, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट फूट। पूरा नाम इनका रॉबर्ट ब्रूस फूट है, जो पहली बार जो पैलियोलिथिक टूल था यानी कि पूरा पाषाणिक काल जो हथियार था उसके बारे में खोज किनके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट फूट के बारे में। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पैलियोलिथिक एज रहा, जिसको हम लोगों ने तीन भाग में जो पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण या उत्तर पूरा पाषाण काल में बांट करके हम लोगों ने इसको पढ़ा। इसके आगे के वीडियोस के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।